आप हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ और हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को। तो हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा हुआ है। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ई टू द पावर पी लॉग एक्स को लिख सकते हो आप एक्स टू द पावर पी। नेचुरली इसका बेस ई होना चाहिए, और इनमें भी बेस अगर नहीं लिखा है तो इसका बेस ई ही होगा। ये क्लास 12th की खास बात है सीबीएसई की। तो और इसका कोफिशियंट अगर नहीं है तो कोफिशियंट होगा इसका 1। तो आप इसको लिख पाएंगे आई इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, और देखिए पी क्या है, व्हाट इज पी हियर, 1। तो इसको लिख पाएंगे आप साइन एक्स टू द पावर 1 डी एक्स। ये भी सेम उसी तरीके का सवाल है, इसीलिए मैंने इसको भी साथ में लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 3 पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 डी एक्स। उसको आप लिख सकेंगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। अब इसमें टी किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसमें टी सब्सटीट्यूट करेंगे, टी कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डी टी बाई डी एक्स होगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, विच इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस आप चाहें तो यहाँ भेज दें, तो इट बिकम्स माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। देयर फोर द इंटीग्रल बिकम्स आई इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस डी टी। अब माइनस डी टी आप ऐसे ना लिखे, इसको ब्रैकेट में लिखे, माइनस कॉमन इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब विल बी टी टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, वेरी बेसिक इंटीग्रल, प्लस सी इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, टी का वैल्यू रख दें, टी का वैल्यू देख लें आप क्या है, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाय 4 कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। सो फाइनली इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर है माइनस 1 बाय 4 कॉस एक्स टू द पावर 4। इसके लिए आप टी डिनोमिनेटर को रख दें एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को, डी टी बाई डी एक्स विल बी 4x क्यूब 1 का 0 डी टी अपॉन 4 एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स क्यूब डी एक्स को रिप्लेस कर पाएंगे आप डी टी बाई 4 से, तो इंटीग्रल विल बी डी टी बाई 4 अपॉन टी, 1 बाय 4 कॉमन और 1 बाय टी का इंटीग्रल लॉग टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाय 4 लॉग ऑफ टी का वैल्यू, क्या है टी का वैल्यू, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। तो देखा ये इसका आंसर हो गया, बड़ा आसान था। इसी तरीके का कंसेप्ट हमने ई टू द पावर पी लॉग एक्स का आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज़ किया था। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो, डाउट हो, तो मुझे ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट।